हेलो हाय साबिया एम आई ऑडिबल जस्ट लेट मी नो बिकॉज आज की क्लास हमारी थोड़ी लंबी ना खिंचा है बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाना है मुझे नौ मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ानी है। एक बार बता दो ताकि मैं कंटिन्यू करूँ ओके सो लेट्स स्टार्ट सो फार आपको पता है एक और मैंने आपको बहुत टाइम से याद करा रही हूँ प्रीति बी लाइफ पी कैपिटल आर डब्ल्यू टी आई बी कैपिटल एल आई ई लाइफ जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो यही कोड लगाएं रीजन मैं बताती हूँ आपको रीजन यही है कि ये सारी ये सारी तो चीजें आपको पता है मैं क्या ऑफर कर रही हूँ उसमें देखो हमारा बारह से डेढ़ डेली क्लास होती है प्लस की और आपको पता है अभी छह से आठ को और फिर सत्रह से उन्नीस को जब एग्जाम होगा राइट इस एग्ज़ाम में मेरे मोस्टली क्या है कि आपको आप सिली मिस्टेक ना करो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको सारा फैक्ट एक जगह कहीं कंपाइलेशन मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा सो so डेली हम 12 से डेढ़ यही करते हैं ठीक है आज भी अभी हम इंटरनेशनल रिलेशन के 40 क्वेश्चन करके आए हैं कंपेरटिव पॉलिटिक्स के हमने पहले सेवेंटी क्वेश्चन टोटल हमने कम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के वन सिक्सटी मेरे एक स्टूडेंट ने बोला साबिया एक्चुअली कि हम कर चुके हैं अभी तक एंड कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को मैंने नौ घंटे में जस्ट नौ घंटे में छः दिन में ही कवर करा दिया है ये प्लस की बात हुई अब जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं उनको पहले आप चेक तो कर लो कि मेरी क्वालिटी कैसी है तो आप प्रीति बी लाइव एक कोड यूज करना एंड मैंने इंटरनेशनल रिलेशन की मेरे मेरे प्रोफाइल में जाना मुझे फॉलो करना इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने आपको पूरे छः क्लासेस में नहीं पूरे सात क्लासेस में मैंने इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे से करा रखा है पूरा कोर्स है और अभी हम यूट्यूब में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर रहे हैं जो कि कल खत्म हो जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका मंडे टेस्ट होगा ठीक है टेस्ट भी पूरा फ्री है हंड्रेड क्वेश्चन वाले ही होगा राइट right? ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं थ्योरीज ऑफ़ लीडरशिप पढ़ा था हमने ठीक है लेस्ट हमने पढ़ा था जब और उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन भी पढ़ लिया था राइट right. आज से हमारा आज का हमारा टॉपिक है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट बाय इन द ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते हैं एमपी पी फॉलेट क्योंकि ये हमारे exam, अगर आपने वो देखा होगा अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो मेरी पार्कर फॉलेट एमपी पी फॉलेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आता है ये स्पेशली मैंशन कर रखा है और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बाय पीटर ड्रंकर ये दो टॉपिक्स उन्होंने स्पेसिफिकली मतलब मैंशन कर रखे हैं सो so, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इसी एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी हमने देखा कि कैसे लीडरशिप हो रही है कैसे वो बन रहा है, के, के है उसकी तो अभी कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है तो किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो मैरी पार्कर फॉलेट ने बोला कि देखो भाई तीन है, तीन हैं हैं ऐसे केसेस है जिसमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और हम उसको रिजोल्व भी कर सकते हैं ठीक है थीके? तीन के तीन तरीके से कर सकते हैं देखो जनरली समझ लेते हैं पहले इसको छोड़ो ठीक है ये सब तो चलता रहेगा देखो एक तो ये है कि अगर हमें हम लड़ाई हो रही है तो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं जैसे दो दोस्त हैं लड़ रहे हैं ठीक है <laughs> ग्रुप है पांच छः लोगों का उनमें से दो दोस्त लड़ रहे हैं तो कैसे है कि भाई समझ लो मैं हूँ और मेरी स्टूडेंट्स आ भी है ठीक है हम लोग लड़ रहे हैं तो मैं टीचिंग टीचर टीचर हूँ एंड शी इज़ माय स्टूडेंट तो मैं बाय डोमिनेशन में उसको बोलूंगी कि, कि भाई ठीक है आपको नहीं आता आप चुप बैठो ये सब करके मैं उसको ना डोमिनेट करके ना उसको चुप करवा दूंगी ठीक है मतलब उस समय क्या था कि उस समय जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो गया मेरा लेकिन क्या ये जल्द मतलब ज़्यादा टाइम तक चलने वाला है नहीं ये लॉन्ग टर्म नहीं होता ठीक है एंड है और लॉन्ग टर्म में ना थोड़ी ना दिक्कत भी आ जाती है क्यों दिक्कत आ जाती है एक सेकेंड या yeah. दिक्कत इसलिए आ जाती है क्योंकि हर किसी किसी को भी ना डोमिनेंस पसंद नहीं है हर किसी को कंट्रोल नहीं पसंद ठीक है हर कोई ये बोलता है कि अगर आप रिस्पेक्ट से ट्रीट करोगे तभी हम कॉपरेट करेंगे तो जो डोमिनेंस वाला तरीका है ना कॉन्फ्लिक्ट रेजोलूशन का वो टेम्प्रेरी होता है ठीक है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाता और लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट होते हैं कि वो दिमाग में लेके बैठ जाते हैं कि यार ये तो, ये तो ये ऐसी ही है इनको ये तो हमेशा डोमिनेट करती रहती है तो मुझे इनसे बात ही नहीं करनी और लॉन्ग टर्म में वो क्या भी हो सकते हैं वो रेसिस्ट भी कर सकते हैं डोमिनेट जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी देना होता है ना सपोज एक ऑर्गेनाइज एक कंपनी है ठीक है सॉरी मैंने देखा नहीं काफी टाइम से एग्जैक्टली exactly. सपोज एक कंपनी है उधर वर्कर्स को कुछ इश्यू हो हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट है मतलब तो मैनेजर्स uh, ने सुपरवाइजर ने ना उनको ना डांट धमका के बोलते हैं कि भाई ठीक है हम तो नहीं मान रहे ये है वो है ठीक है उसको बहुत टाइम तक चलता रह रहा है और एक दिन उनका मन किया वर्कर्स का कि हम तो आप काम करेंगे नहीं हम स्ट्राइक कर देंगे अब उन्होंने स्ट्राइक किया काफ़ी टाइम तक चली तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट का खर्चा तो हुआ मैनेजमेंट का जितना भी लॉस हो गया और फिर उनको उनकी बात माननी भी पड़ी अगर वो पहले से ही उनको डोमिनेट नहीं करते उनकी बात सुनते तो ऑब्वियसली एक पीसफुल सोलूशन निकल सकता था और इतना लॉस भी नहीं होता क्योंकि उस फैक्ट्री का मेन क्या था कि प्रॉफिट कमाए वो तो हुआ नहीं लॉन्ग टर्म तो कुछ फायदा हुआ नहीं तो डोमिनेंस एक तरीके से मैं बोल रही हूं कि कभी ही हो सकता है जब हमें लगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरत है लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक है बट लॉन्ग टर्म ये नहीं है दूसरा सॉल्यूशन है कॉम्प्रोमाइज़ कि चलो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चल थोड़ा मैं एडजस्ट करती हूँ थोड़ा तू एडजस्ट करते हैं ठीक है बट ना विथ टाइम ऐसा लगता है कि यार नहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही एडजस्ट किया हर किसी को चाहे वो ज़्यादा कम कर रहा हो बट हर किसी को ये लगेगा कि भाई मैं ही एडजस्ट कर रहा हूँ ठीक है तो हमेशा ये होता है कि भाई मैंने मतलब ना दिमाग में ना एक दूसरे की तरफ ना ट्रस्ट ही नहीं होता ट्रस्ट बिल्डिंग ही नहीं होती हमेशा हम सस्पेक्ट करते रहते हैं कि यार सही नहीं है ये है वो है कभी वर्कर सोचेंगे कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया मैनेजमेंट सोचेगा हमने किया तो कॉम्प्रोमाइज वाला भी ना लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एंटायरली तरीके से नहीं बट कुछ पार्ट उसको सॉल्व कर देगा तो इसलिए क्या है ये टेम्पररी सोल्यूशन है राइट नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की यही सबसे बेस्ट वे होता है दिस इज द बेस्ट वे कि अगर आपको लगता है कि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप इंटीग्रेशन करो इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि देखो आपका पहले दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए फर्स्ट दूसरा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्यों चाहिए क्योंकि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की organization की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है राइट right? और उससे क्या होगा उससे फर्दर आपका क्या है जो भी आपके गोल्स है ये सब ते जल्दी अचीव हो जाएंगे तो आपका क्या होगा प्रॉफिट वगैरह जो भी है ठीक है इससे ये सारी चीजें अब इसमें होता क्या है देखो इसमें होता है सर्कुलर रिस्पॉन्स जैसे चलो आओ अपनी पहले ना डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू माइक्रो पार्ट्स जैसे अगर एक प्रॉब्लम है दस, उसके दस पार्ट है उसको दस पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया तो आज आप आ गए आपने एक पार्ट मतलब डिस्कस किया रिव्यूज लिखे और सबके मतलब दोनों की दोनों की सहमति से म्यूचुअल कंसेंट विथ म्यूचुअल कंसेंट दोनों की सहमति से आपने कुछ डिसीजन लिया ना तो आप डोमिनेट कर रहे हो ना आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आप रीजनिंग दे रहे हो कि भाई इस क्यों ये आप रीजनिंग दे रहे हो प्रॉपर कि भाई ये चीज ऐसे होनी चाहिए ये चीज ऐसे होनी चाहिए आपका क्या है फिर आप अपनी रीजनिंग दे रहे हो तो ऐसे ना हमने पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं लिया कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमने छोटे छोटे पार्ट वो सॉल्व किए ताकि हमने इंश्योर किया कि हर एक पार्ट में हमारे कुछ भी डिस्प्यूट नहीं रहना चाहिए सब चीज जो प्रॉब्लम है वो एंटायरिटी में हमारी क्लियर हो जाए राइट तो ये होता है इंटीग्रेशन एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ठीक है अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ना ये तीन पार्ट तो बहुत इजी है अब नेक्स्ट ना हमारा मोटिवेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पुराना छूट गया था वो अब हम कवर करते हैं इस तीन से ज्यादा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में ठीक है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन तो ये नौ मोटिवेशन की थ्योरी है मेरी सुंदर राइटिंग में आई डोंट नो आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी बट मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी ठीक है फॉर पीडीएफ देख लीजिए अन अकेडमी डमी प्रीति बोरा का ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए दिस इज इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फ्री फ्री पीडीएफ ठीक है जो भी कोर्स आपका फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी पीडीएफ भी फ्री में ही दी जाएगी ठीक है तो मोटिवेशन की थ्योरी देखते हैं तो बेसिकली हमने लीडरशिप की थ्योरी देख ली थी अब हम देखते हैं कि यार लीडरशिप तो चलो ठीक है लेकिन लीडरशिप आती है टॉप से मतलब जो लोग लीड कर रहे हैं लेकिन उनका क्या जो लोगों को काम करना है उनके लिए तो एक ही फैक्टर है कि वो खुद से कैसे मोटिवेट रह सकते हैं राइट <laughs> ओके okay, किसी के कोई डाउट्स तो नहीं है ना किसी के कुछ अभी तक सो so, uh, क्या है ह्यूमन अब हम मैंने ना नौ पार्ट में अलग अलग लोगों ने ट्रेड uh, थ्योरी दी अगर हम अब्राहम मास्लो की बात करें तो आपको पता है ह्यूमन नीड थ्योरी है उनकी फिर हर्सबर्ग की बात करें तो उनकी टू फैक्टर थ्योरी है ठीक है दो फैक्टर है भी बताऊंगी मैं ठीक है सेटिसफेक्शन डिससेटिस्फेक्शन डॉगलस मैग्रेगर्स की थ्योरी है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई ठीक है एक एज्यूम करती है कि भाई लोग मतलब हार्ड अप्रोच और एक सॉफ्ट अप्रोच ठीक है

साइकोलॉजी में, है, है. न, में, बहुत होती है। में कि कैसे री एनफोर्स करना है स्पेशली जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें काफी बोलते हैं और एडम्स की इक्विटी थ्योरी है राइट <laughs> अब एक, एक करके उठा लेते हैं सबसे पहली थ्योरी है हमारी ह्यूमन नीड थ्योरी अब्राहम मास्लो ने दी थी ठीक है ह्यूमन नीड थ्योरी वो कहते हैं कि देखो ह्यूमन कैसे मोटिवेटेड रह सकता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और इन जनरल भी वो कैसे मोटिवेटेड रह सकता है सारा रेड हो गया दूसरा कलर ले लेते हैं एक बार ठीक है एग्जैक्टली exactly. तो उसका उन्होंने बोला था कि देखो सबसे पहला उसका पॉइंट होगा कि अगर वो तो बहुत गरीब है तो वो सोचेगा ना कि सबसे पहले भाई रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीजें जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो सब पूरी हो जाए मेरी जैसे आपका फूड हो गया ठीक है आपका क्लोथ हो गया ठीक है और आप, आपका हाउस हो गया मतलब ऐसे नहीं है कि भाई घर में रहने को मिल जाए ये सारी चीजें हो गई ये मेरे को चाहिए मतलब जो बेसिक चीज़ है बेसिक नीड्स ठीक है ये डिनोट करता है बेसिक नीड्स आपकी तो उसको मोटिवेशन मिलेगी जैसे कि समझ लो कोई इस लेवल पे हो समझ लो अभी इस लेवल पे लेवल पे पे हो हो फिफ्थ वाले तो वो इतना गरीब हो वो ज्यादा अमीर नहीं हो तो वो उसको तुम बोलोगे कि भाई तू काम कर लेगा मतलब वैसे तो रेट फाइव सिक्स थाउजेंड है लेकिन आपको फोर में करना पड़ेगा तो अगर आप अगर ये वाले लोग होते ये लोग बेशक नहीं करते लेकिन जिसके पास ये चीजें नहीं है तो वो कर लेगा वो खुश होकर करेगा बिकॉज उसको क्या लगेगा ना कि भाई मेरे तो काम हो रहा है ये सारी चीजें क्योंकि उसकी प्रायोरिटी अभी यही है फिर अगर हम इस वाले लेवल पर जाए तो हाउस वगैरह कपड़े खाना सब मिल गया तो उसके बाद क्या है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कि हम सिक्योर्ड रहें हमें ऐसा डर ना हो कि हो कि मतलब हम हम क्या है हमारे जैसे फिजिकल प्रोटेक्शन हो फिज़िकल मेंटल ये क्या है हमें प्रोटेक्शन चाहिए कि भाई हमें ऐसा डर ना हो कि अब हम इधर रह रहे हैं तो कोई हमें मार जाएगा या कोई भी चीज़ें हैं तो वो एक सिक्योरिटी और दूसरा क्या है भाई जॉब सिक्योरिटी भी तो होती है ना कि ऐसा ना हो जैसे मैं इधर अभी पढ़ा रही हूँ और मेरे को दिमाग में चल रहा हो कि यार अभी मेरे को अगले से अगले महीने निकाल देंगे ये करेंगे वो करेंगे तो फिर मैं ढंग से पढ़ा भी नहीं पाऊंगी तो वो वाली चीज है ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव क्लियरली आप पूरे कर पाओ तो ये वाली अगर आपको ऐसे है आपको ऐसे बोल रहे हैं कि एक साल तक आपको कोई नहीं निकाल सकता अब अपने से काम करो तो आपकी ना एफिशिय ओवरऑल बढ़ जाएगी

फिर है सेल्फ़ स्टीम सेल्फ स्टीम मतलब अपनी खुद की रिस्पेक्ट ये सारी चीज़ें ठीक है रिस्पेक्ट हो गई आपके खुद के स्किल्स को आपने इम्प्रूव करना है ये सारी चीज़ें मतलब आपको वैल्यू कर रहे हैं आपकी वर्थ समझ रहे हैं तो आप सोचते हो कि यार ठीक है हाँ मैं मोटिवेटेड रह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे तो रिवॉर्ड देते हैं ये मेरी वैल्यू समझते हैं मुझे एम्प्लॉ ऑफ द मंथ दे दिया ये दे दिया वो दे दिया बच्चे मुझे अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हाँ आप अच्छा पढ़ा रहे हो अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं मुझे अच्छे फीडबैक मिलते हैं और अगर लास्ट की बात करें ठीक है ये सेकंड था लास्ट जो टॉप लेवल था वो है सेल्फ एचुअलाइजेशन अब मैं इन सब चीज़ें मिल गई मेरी बेसिक नीड भी पूरी हो रही है मेंटल नीड भी पूरी हो रही है फ्रेंड बिलोंगिंग सब कुछ है मेरे को सब चीज़ें अब मैं क्या करूँगी सेल्फ एक्चुलाइजेशन में समझूंगी कि भाई मेरा एक्चुअल ड्रीम क्या है मैं उसको कैसे अपने स्किल को अपग्रेड अपग्रेड करूं ठीक है मैं अपने लिए काम करूंगी मे बी मेरा ये हो कि मैं एनजीओ वगैरह पे काम करना है ये सब मतलब जो भी मेरे स्किल्स है जो भी मेरी एक्चुअल वो है तो वो मोटिवेशन है तो है जाता उसके बाद लोग खुद की सर्विसेज मतलब वॉल्ट्री सर्विसेज में एनरोल कराते हैं क्यों क्योंकि उनको अच्छा लगता है राइट तो ये थी फर्स्ट मास्लो की नीड थ्योरी सेकेंड अगर हम सेकेंड की बात करें एक सेकेंड रुको दूसरा पेन ले लेते हैं हाँ चलो यही सही है चलो

आपको तो प्राइज मिल रहा है आपको तो एम्प्लॉय ऑफ़ द मंथ कुछ मिल रहा है अगर टीचर्स डे था तो आप सबने इसको भेजते हो तो वो वाला आता है तो भाई मैं तो खुश हो गई कि भाई फिफ्थ सितंबर था टीचर्स डे था मेरे को तो गिफ्ट आ रहे हैं तो ये क्या मैं सेटिस्फाई हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन से मैं अपने काम से सेटिस्फाई होंगी क्योंकि भाई मुझे प्राइमरी मेरी मोटिवेशन क्या मिल रही है कि अगर मैं अच्छा करूंगी तो ऐसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करेंगे अब जैसे हम अग्न प्लस में होता है कि हम क्या करते हैं ना वो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ आवर्स पढ़ते हैं एंड देन दे अर्न हेट्स ठीक है और फिर वो क्या करते हैं वो अपने जब जब वो अर्न करते हैं वो अपने फेवरेट टीचर्स uh, को डेडिकेट करते हैं तो अगर जैसे मैंने आपको इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बना के दिया एंड मुझे ना मतलब अच्छी हज मिल रही है तो मैं मोटिवेशन मेरे को मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी ना कि यार हाँ स्टूडेंट्स हैं मैं अभी नई नई आई हूँ बट फिर भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि मैंने इतना अच्छा काम किया है सो आई विल फील गुड ठीक है तो दिस दिस इज सेक्शन सपोज हाइजीन फैक्टर हो सकता है जैसे आप क्या हो आप सब कुछ है लिटरली सब कुछ है बट ना आप ना जब जैसे वॉशरूम यूज करते हो या फिर आप नॉर्मल हाथ धोने के एरिया है ये है तो आप क्या करोगे अगर आपको समझ लो उधर ट्वेंटी थाउजेंड मिल रहा है एंड किसी और कंपनी में जहाँ पे सब कुछ हाइजीन वगैरह है वहां पे पन, मतलब पंद्रह सत्रह पंद्रह सत्रह मिल रहा है तो मे भी आप प्रेफर कर लो क्यों क्योंकि आपको लगता है कि यार इधर तो हाइजीन ही नहीं है और आपको बार बार डर लगा रहता है कि मैं यार यहाँ पे बीमार ना हो जाऊँ राइट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो इन्होंने बोला कि सेटिसफेक्शन हाउस वर्क और

एक सेकेंड जरा तो पेन का कलर चेंज करा जाए इन्होंने बोला देखो लोग ना इतने बेवकूफ नहीं है उनको भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं लोग हैं उनकी लाइफ के और वो मोटिवेटेड होते हैं इसलिए इसलिए वो सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो इसलिए आपको ना खुद से आपको खुद से जाके उनको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं आपको क्या करना है सॉफ्ट अप्रोच अपनाओ की भाई ठीक है उनसे पूछ लो ठीक है वो उनको देख लो रहे उनको देख लो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अदरवाइज तुम उनसे हार्ड उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते सो ये दो डिफ्रेंसेज है ये दो डिफरेंसेज आपको क्लियर हो गए हैं नेक्स्ट अगर हम बात करते थ्योरी की ठीक है ये हमारी फोर्थ थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी इसमें है कि एक्सपेक्टेशन कैसे बनती है मतलब एक्सपेक्टेशन से मोटिवेशन कैसे आती है ये बोल रहे हैं कि देखो कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि अगर हम ज्यादा एफर्ट्स करेंगे तो हमको हमारी जॉब परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी समझ लो अगर मुझे आपके लिए टेस्ट बनाना है अगर मैं सोचूंगी कि मैं थोड़ा ना वाइड डाइवर्सिटी वाला टेस्ट बनाऊंगी सब कुछ इंक्लूड करूंगी तो मेरी जॉब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो क्या पता मुझे बेटर ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड्स मिले क्या पता जैसे आप लोगों का क्लियर हो जाए फिर आप बोलो अपना थोड़ा प्रमोट करो कि भाई करो तो मैं भी मुझे फायदा हो तो इन्होंने बोला कि भाई तीन फैक्टर पे वेरी करता है कि, कि मतलब एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अंदर की कैसे वो होंगे मतलब कैसे खुद से मोटिवेटेड होंगे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मैंने आपको बताया था ना विक्टर रूम की थी मैंने लिखना भूल गई शायद ठीक है तो इन्होंने बोला था इसमें ना मेरे तीन वेरिएबल एक है मेरा वैलेंस दूसरा मेरा इंस्ट्रूमेंटेलिटी और तीसरा है एक्सपेक्टेंसी अच्छा तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी अच्छा इंस्ट्रूमेंटेलिटी ये बोलते हैं किस डिग्री तक किस डिग्री तक अगर आप इसको आप मेरे फर्स्ट वाले जो आउटकम है अगर मैं उसको अचीव कर लूं तो क्या चांसेस हैं कि आप सेकंड आउटकम भी अटेम्प्ट मतलब अचीव कर पाते हो यानी कि जो फर्स्ट है उसका कितना इफेक्ट पड़ता है सेकंड वाली चीज को आपको अचीव करने में मतलब जो मेरा सेकंड गोल है उसको अचीव करने में ये होता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी तीसरा है एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसी क्या कि स्ट्रेंथ है ये किसकी बिलीफ की स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ कि भाई मुझे कितना भरोसा है कि मैं अपने आउटकम्स कैसे कितनी जल्दी वो कर पा रही हूँ पूरा कर पा रही हूँ वैलेंस मतलब क्या है मेरी प्रेफरेंस क्या है मेरे आउटकम की मैंने क्या क्या प्रेफरेंस सेट कर रखी है इंस्ट्रूमेंटेलिटी मेरी एक प्रेफरेंस दूसरी प्रेफरेंस को कैसे लिंक कर रही है एक्सपेक्टेंसी मतलब मेरे में कितनी ताकत है कि मैं अपने गोल्स अचीव कर सकू समझ में आ रहा है पांचवी आती है हमारी मैकलेन की थ्योरी ऑफ नीड्स ठीक है थ्योरी ऑफ नीड्स है मतलब नीड्स मतलब जरूरत है तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि मोटिवेशन बेस्ड ऑन हेनरी मुरे का एक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी थी ठीक है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी हेनरी मुर्रे की थी उससे इन्होंने मोटिवेशन ली इनकी एक बुक आई थी द अचीविंग सोसाइटी नाइनटीन में आई थी ठीक है कि लोग कैसे अचीव करते हैं चीजें हैं तो उन्होंने हैं कि तीन डोमिनेंट नीड होती है जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसे हमारा डेवलपमेंट होगा एक तो हमारी अचीवमेंट कि हमने क्या अचीव किया है दूसरा हमारी एफिलिएशन कि हम किससे एसोसिएटेड है तीसरी उससे हमें कितनी पावर मिल रही है ठीक है अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं अचीवमेंट कैसे देखो अचीवमेंट होता है कि सबसे पहले कि तुमने कुछ सर्टेन uh, चीज एक्सेल कर में एक्सेल करोगे कुछ स्किल डेवलपमेंट करोगे जैसे सपोज मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ मैंने सपोज मेरे को पॉलिटिकल साइंस अच्छे से आता था एंड मैंने सोचा कि चलो एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं ये सब चीज़ें करते हैं ठीक है तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है बना लेते हैं अपना फिर लोगों ने भी अच्छा रिस्पांस दिया तो मुझे एक सर्टेन लेवल ऑफ वो मिला कि रिकॉग्निशन या फिर मेरा चैनल मॉन्टेस हुआ जो भी है ठीक है तो मैं ये लो एंड और हाई एंड रिस्क तो ऑब्वियसली अवॉइड करूंगी इस स्टेज में तो ये हो गया अब मैंने सोचा अब जब मुझे आ, मतलब जैसे जब मैंने ये था कि आ, मैं हमेशा ये सोचूंगी ना कि चलो मैंने मेरा एक स्किल्स है सो अब मुझे किसी से एसोसिएटेड होना चाहिए तो सबसे बेस्ट कौन है अगर इंडिया में देखो यूपीएससी की तैयारी के लिए या फिर हर चीज की तैयारी के लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है दैट इज अकेडमी ठीक है तो मैंने कहा यार मैं इनसे अफिलियशन होती हूँ क्योंकि क्या होगा कि ये लोग ऐसे है जिनको वैल्यू है नॉलेज की ठीक है मैं कुछ भी मतलब पढ़ाऊंगी तो इनको वैल्यू है तो अब एफिलिएशन में कैसे सबसे और इसमें क्या मिलेगा मुझे हाई मतलब ये बोलते हैं हाई एफिलेटेड लोग पता है कौन होता है जिनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है तो अगर मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो ऑब्वियसली इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगा लोग रिकॉग्नाइज करेंगे ठीक है तीसरा क्या है मेरी पर्सनल या मेरी इंस्टीट्यूशनल कुछ वैल्यू पावर आएगी ठीक है मैं बोल सकती हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ आती है ये सब चीज़ें हेलो 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 एवरी ठीक है तो ये चीजें हैं कि मैकलिन थ्योरी ऑफ नीड मैंने अपने ही उसमें सेम जरूरी नहीं है कि सबके अलग अलग हो बट आपके स्टेजेस में भी चल सकते हैं कि कैसे आप अचीव करते हो कैसे एफिलिएशन लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हेल्प करता है जैसे अब मेरे जितने भी प्लस स्टूडेंट है वो मेरे से मेरे को पर्सनली बेझिझक मैसेज कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है उनको आंसर मिलेगा क्यों क्योंकि वो एसोसिएटेड होते हैं और जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड करते हैं अगर वो डर भी रहे हो ना तब भी मैसेज कर लेंगे क्योंकि उनको पता है कि आंसर मिलेगा एंड एक हेल्पिंग हैंड लगता है ना तो

ठीक है अब सिक्स की एक सेकेंड रुको ये पॉइंटर कहा गया हाँ सिक्स हमारी मोटिवेशन की थ्योरी अल्फर्डर्स की आर जी थ्योरी जो कि 1969 में आई थी ठीक है इसकी तीन कैटेगरी है उन्होंने बोला कि भाई तीन कैटेगरी है हमारी मोटिवेशन की सबसे पहले है कि भाई हमें हमारी एग्जिस्टेंस नीड है दूसरा हमारी रिलेटेडनेस नीड है और हमारी आ, क्या बोलते हैं ग्रोथ नीड है ये इसने रिप्लेस किया था किसको रिप्लेस किया था अभी मैंने आपको बताया मास को ठीक है इन्होंने बोला था कि जैसे मासलो ने पांच कैटेगरी बताई थी इन्होंने बोला कि देखो हमारी तीन है एक तो हम रहते हैं कि एग्जिस्टेंस की बेसिक हमें क्या चाहिए फिजिकल वेल बींग की हम भाई सही रहे सही कैसे रहे खाना सही खाए खाना मतलब खाना खा लो ठीक है कपड़े सही पहन लो घर पे रहो सिक्योरिटी वगैरह हो ये सारी चीजें उन्होंने एक में दो जो नीचे के थे ना फोर्थ फिफ्थ को एक क्लब कर दिया समझ लो रिलेटेडनेस मतलब सेटिस्फेक्ट्री रिलेशन विद अदर्स ये आपको थर्ड स्टेज दिख रही है ना बिलोंगिंगनेस की तो ये वो वाली स्टेज है और ग्रोथ नीड्स क्या है सेल्फ सेल्फ एस्टीम और self -actualization को एक क्लब कर दो कैसे डेवलपमेंट ऑफ कंपीटेंस ठीक है स्किल्स कंपीटेंस आपकी वर्थ बढ़ाना रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल उसके साथ क्या है एक तो आप डेवलप करोगे और रियलाइज करो कि आपकी पोटेंशियल क्या है राइट सातवीं थ्योरी हमारी गोल सेटिंग थ्योरी ठीक है गोल सेटिंग थ्योरी ओके साबिया पी भी, भी कैपिटल है कैपिटल पी है ठीक है गोल सेटिंग थ्योरी क्या है उन्होंने बोला देखो हम ना ऐसे ना कभी भी मोटिवेट पता है कैसे होता है देखो ये मैं तुम्हें तो तुम्हारे एग्जांपल से बता सकती हूँ लिटरली मैं तुमको तुम्हारे एग्जांपल से बता सकती हूँ जैसे तीन फीचर्स हैं जैसे समझ लो अभी ना कोविड था और तुम सबको पता था कि एन नेट का एग्जाम पोस्टपोन होगा एंड वो हुआ भी बट तुम्हारे पास अच्छा खासा एक साल का टाइम था जब तुम कर सकते थे ठीक है सब चीज की तैयारी कर सकते थे राइट तो लेकिन तुमने तुम ने तैयारी नहीं की तुम लोग सोचा यार ठीक है अभी तो पेपर थोड़ा टाइम लगेगा ये है वो है लेकिन तुम्हारी मोटिवेशन का फैक्टर क्या था देखो तीन चीजें हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि भाई तुम जल्दी उठ के कैसे तैयारी कर रहे हो देखो एक तो है प्रोक्सीमिटी की क्लोजनेस कि भाई देखो अगर एग्जाम थोड़ा पास होता है ना तब लगता है डर बहुत डर लगता है तब तब लगता है कि यार ठीक है अब अभी तुम्हें लग रहा होगा डर कि भाई छे को एग्जाम है क्या होगा ये है वो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो भटक भी जाते हैं अगर उनको एक डायरेक्शन दो ना कि भाई तुमको रोज ये करना है तो पहले पहले तो उनको बिल्कुल छिल रहते हैं वो लेकिन लास्ट लास्ट में उनको ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्यों वो अपने डायरेक्शन से भटक जाते हैं उसको क्यों क्योंकि भाई अब रिजल्ट पास आ रहा है तो जितना तुम्हारी मोटिवेशन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जब मैंने एग्जाम दिया था किसे पहले ही मतलब चल अब पास आ रहा है चलो पढ़ के देख लेते हैं क्या होता है ये होता है ठीक है तो ये प्रोक्सीमेटी दूसरा डिफिकल्टी अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो तुम थोड़ा पहले या फिर अगर तुम्हारे गोल थोड़े डिफिकल्ट होंगे तो तुम पहले ही उसमें मोटिवेटेड रहोगे तुम बोलोगे यार लास्ट के पंद्रह दिन में कुछ नहीं होगा पहले ही हमें पहले हमारे नेट नहीं निकाला हमें तो जी चाहिए तो पहले ही चलो तीन चार महीने पहले ही बैठ जाते हैं ठीक है डिफिकल्टी लेवल डिटरमाइन करता है तीसरा स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी कैसे तुम्हारे दिमाग में अपना एक गोल है कि भाई मेरे को तो ना यार लेक्चरर ही बनना है और वो मुझे या फिर रिसर्चर ही बनना है और मुझे रिसर्चर में भी जे आर एफ चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है उससे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है और आप अपनी रिसर्च भी अच्छा कर लेते हो और तुम्हारा एम है कि रिसर्च में कॉन्ट्रीब्यूट करना इंडिया की डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करना तो फिर क्या होगा फिर तुम मोटिवेटेड रहोगे तो तीन तरीके हो गए ना समझ रहे हो तुम्हारे एग्जाम्पल से आठवी हमारी थ्योरी री इन्फोर्समेंट थ्योरी ये तो बच्चों वाली थ्योरी है मैं सही बता रही ये बच्चों के लिए यूज करता था याद है जब तुम छोटे थे तो तुम जिद करते थे कि यही वाला खिलौना चाहिए ये है वो है फिर हमारे अब अभी के तो अभी का तो अभी के बच्चों का तो नहीं बोल सकते बट हमारी मम्मी तो हमें बहुत बड़ी बड़ी से आग दिखाती थी फिर हमें समझ में आ जाता था कि भाई घर पे जाके ठुकाई हो जाएगी इससे बढ़िया उसको रख दो और चुपचाप चलो ठीक है ये वाली बात होती थी So, अगर ये सारी चीजें है ना तो अब क्या है री की ये ना ये री कैसे करते हैं कि कंट्रोल करने के लिए बिहेवियर की आपका बिहेवियर कैसा है उसे कंट्रोल करने के लिए ये किस पे बेस्ड है देखो एक तो कंटिजेंसी पे बेस्ड है दूसरा अकरेंस कि एक तो ये कंटिजेंट है यानी कि कोई भी कोई भी सिचुएशनल है मतलब कोई सिचुएशन के हिसाब से होगा दूसरा अकरेंस अगर वो इवेंट अकर होता है तभी जैसे अगर हम कहीं मम्मी पापा के साथ ऐसे बाहर जाएंगे मार्केट में और फिर हम वो अजीब सी जिद करने लगेंगे तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर सिचुएशन है और वो इवेंट है जिसमें हमें चांसेस लगते हैं कि भाई अब अभी तो घर पर ठुकाई होगी ठीक है ये वाला तो उस समय ये री क्या है वो मम्मी का जो आंख दिखाना है ना वो तेज की तो वो है री एनफोर्समेंट कि बेटा अब समझ जाओ तो ये दो तरीके से हो सकती है ठीक है ये तुम्हें बिल्कुल एग्जाम्पल ऐसे दिया है कि तुम्हें याद हो जाए ठीक है हाँ हेलो हेलो राहुल ठीक है तो ये याद दिया है तो पहला क्या है पॉजिटिव दूसरा क्या है नेगेटिव पॉजिटिव क्या है तुम सोचो जैसे मम्मी बोलते हैं कि यार अच्छे नंबर ले आना तो अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे इस साल तो तुमको अगर फर्स्ट आओगे अच्छे नंबर लाओगे तो तुमको इस बार साइकिल मिलेगी ये मिलेगी वो मिलेगी तो हम चुपचाप से क्या करते हैं मोटिवेटेड होकर हम रिवार्ड के चक्कर में ना रिवॉर्ड के चक्कर में हम अच्छे नंबर ले आते हैं नेगेटिव

तो हमको लगेगा ना कि यार चलो ठीक है छीन लिया कोई नहीं अब पढ़ लो अब पढ़ना पड़ेगा नहीं तो ये मिलेगा नहीं अपने को और अपने को बैडली वो हो, चाहिए होता था समझ लो लास्ट हमारी थ्योरी है एडम्स की इक्विटी थ्योरी ठीक है एडम्स की इक्विटी थ्योरी तो एडम्स की इक्विटी थ्योरी क्या है ये बोलते थे आ, कि देखो अपने आप को ना अलग मत समझो अपने आप को जो पर्सन है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी आप आप काम हो अपने को आइसोलेशन में मत समझो आप अपने आप को इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट समझो ये समझो और टीम समझो सिस्टम समझो ये देखो कि तुमको कैसे ट्रीट कर रहे हैं कैसे ट्रीट कर रहे हैं अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि हमको थोड़ा बेटर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो तुम थोड़े मोटिवेटेड होते हो ऑन द कॉन्ट्रे अगर तुमको ऐसा लगता है कि बाकी को तो ऐसा नहीं कर रहा है हमसे ही इसको क्या दिक्कत है तो तुम होते हो तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब हम कंपेयर करने लगते हैं ना अपने आप को अपने इन्वायरमेंट से अपने सिस्टम से, से तब हम मोटिवेटेड कैसे रहे सो दे मस्ट बी मैनेज एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली और उसी हिसाब से तुम मैनेज करते हो ट्रीट कर जिस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है और उसी हिसाब से तुम काम करते हो अगर तुम्हें लगेगा ना कि ये बहुत दिमाग खा रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन ये है वो है या तो तुम उसको रिपोर्ट कर दोगे ठीक है कि अपने उसके ऊपर वाले से या फिर तुम अपना ना जो ये वर्क है ना वो उस हिसाब से करोगे जिस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है गॉट इट सब चीज समझ में आई है बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है ठीक है बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है तो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा और ये सारी थ्योरीज का ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है पूरा आपको ठीक है री थ्योरी ना एज सच किसी ने पर्टिकुलर ने नहीं दी है देखो री थ्योरी जो बेसिकली है ना और गोल सेटिंग थ्योरी गोल सेटिंग थ्योरी ये दोनों थ्योरी ना देखो ये एक्चुअली ना साइकोलॉजी का पार्ट है मैं आपको बताऊं आपको पता है एक मतलब वो बी से क्या कौन सा नाम था कौन सी डॉल एक्सपेरिमेंट था जब वो एक वो पर्सन वो लड़की उसको मार रही थी एंड फिर वो बच्चे ने देखा एंड वो भी सेम चीज रिपीट कर रहा था तो ऐसे बहुत सारी रि थ्योरीज साइकोलॉजी से ली गई है और साइकोलॉजी में भी पता नहीं चार पांच तो मैंने खुद पढ़ रखे हैं साइकोलॉजी के अगर आपने देखा होगा मैंने एक्चुअली पॉल ब्लूम को थोड़ा फॉलो किया था देन आई सॉ कि काफी सारी साइकोलॉजी में री होते हैं कि कैसे री है जैसे स्किनर बॉक्स हो गया आपका फॉर एग्जांपल स्किनर बॉक्स हो गया उसमें री वगैरह कैसे हो रहा है ये सब चीजें हो गई तो मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें से ले कर रखी है साइकोलॉजी से कि कैसे इधर क्योंकि ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या है लोग हैं लोगों की भी एक साइकोलॉजी है तो कैसे बिहेवियर को कर रहा है कि कैसे स्टीमलेस को हटा रहा है तो ऐसे आप को स्टीमलेस स्किनर बॉक्स का एक एग्जांपल ले सकते हो और बॉबा डॉल ऐसे कुछ ऐसा था कुछ तो था ऐसा मैं भूल गई हूँ उसका ओके okay, ओके okay. सो so, अभी आज की थ्योरी आज की आज के लेक्चर में इतना ही है कल हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल और दूसरा हमारे ना मोने एंड रेली का प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों रह गए थे ये तीन टॉपिक हम कवर कर लेंगे एंड हमारा पूरा जितना भी इस हमारे पॉलिटिकल साइंस में आएगा ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो हो जाएगा ठीक है तो वो सब कुछ करने के बाद मैं अनाउंस कर दूंगी ठीक है मैं बात करूंगी अगर मंडे को टेस्ट रखना होगा तो मैं आपको कल बता दूंगी राइट अगर मंडे का टेस्ट होगा तो मैं आपको कल बता दूंगी रेडी रहिएगा बस और ग्रुप में अनअकेडमी प्रीति बोरा के ग्रुप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पीडीएफ आ गई है कल वाली क्लास के बाद मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन वाली भी पूरी पीडीएफ भी दे दूंगी ठीक है बाय